भारत तक अब नए अंदाज में। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच यूक्रेन के टॉप जनरल ने चेतावनी दी है कि रूस उनके देश की सीमा के पास 92,000 सैनिक तैनात किया हुआ है और जनवरी के अंत तक पुतिन हमले की तैयारी में है। रूसी सेना ने यूक्रेन के पास टैंक, तोपे, मिसाइलें और युद्धपोतों को सीमा के पास तैनात किया हुआ है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस तीन तरफा हमला करने की तैयारी में है, लेकिन आखिर ये पूरी खबर क्या है? दरअसल यूक्रेन के जनरल ने कहा है कि रूस उत्तर में बेलारूस, पूर्व में विद्रोहियों के इलाके और काला सागर में क्रीमिया से हमले की तैयारी कर रहा है। इसके तहत पोर्ट से सटे शहरों में समुद्री रास्ते से सैनिकों को भेजने, पूर्व में हवाई हमले, तोपों से गोले बरसाने और हथियारबंद वाहनों से हमला करने और बेलारूस के जरिए छोटे स्तर का सैन्य हस्तक्षेप शामिल है। मिलिट्री टाइम्स की ओर से शेयर किए गए एक नक्शे के मुताबिक यूक्रेन के जासूसों का अनुमान है कि रूस यूक्रेन पर खूनी कब्जे की तैयारी में है। इस नक्शे में कहा गया है कि रूस यूक्रेन की इतनी जमीन पर कब्जा करना चाहता है कि क्रीमिया पर उसका कब्जा भी छोटा पड़ जाए। यूक्रेन के ब्रिगेडियर जनरल कायरेलो ने कहा है कि हाल ही में बेलारूस की सेना के साथ मिलकर पुतिन की सेना की ओर से किए गए सैन्य अभ्यास में 3500 सैनिक एक बार में पैराशूट से उतारे गए थे। उधर रूस ने यूक्रेन के जनरल के दावे को खारिज कर दिया है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियारों की आपूर्ति की गई है और वो सीमा पर अपने सैनिकों को मजबूत कर रहा है। इस बीच यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री ओलासी रेजनिकोव ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान पिछले हफ्ते कहा था कि पुतिन पश्चिमी देशों के साथ शतरंज खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उनका इरादा क्या है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने बुधवार को कहा था कि हम नहीं जानते हैं कि पुतिन आखिरकार क्या चाहते हैं। यूक्रेन पर मंडराते खतरे के बीच अमेरिका ने कई हथियारों और एंटी टैंक जेवलिन मिसाइलों, साथ ही साथ रडार जो है वो यूक्रेन को दिए हैं। वहीं यूक्रेन चाहता है कि अमेरिका उसे एयर मिसाइल और ड्रोन से रक्षा करने वाले हथियार, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग करने के भी डिवाइस जो है वो दे। इस बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन को 10 युद्धपोत और नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का समझौता किया है और इस बात से रूस परेशान है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर विवाद शुरू क्यों है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत होती है साल 2014 से, क्योंकि साल 2014 में रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप का विलय कर लिया था। इससे पहले तक क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा था। यूक्रेन में साल 2014 में हुई क्रांति के बाद से देश में राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को पद छोड़ना पड़ा था। तब रूस ने यूक्रेन में हस्तक्षेप करके क्रीमिया में रूसी सेना भेजी और उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके पीछे का तर्क ये दिया गया था कि वहां रूसी मूल के लोग बहुत हैं और वहां विरोध प्रदर्शनों के बीच उनके हितों की रक्षा करना रूस की जिम्मेदारी है। इस कदम ने रूस और पश्चिमी देशों के बीच एक बड़ी दरार पैदा कर दी, जिसके बाद यूरोपीय संघ और अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए। इसके एक महीने बाद रूस समर्थित विद्रोहियों ने 3 रूसी भाषा इलाकों डोनबास, डोनस्तक और लुहानस्क को अपने कब्जे में ले लिया। पश्चिमी देशों और नाटो ने रूस पर यूक्रेन की सीमा पर सेना भेजने का आरोप लगाया, लेकिन रूस ने कहा कि यहां मौजूद हर रूसी लड़ाका एक वॉलंटियर है। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सत्ता में आए तो उन्होंने इलाके में शांति बहाल करने का वादा किया और बीते साल जुलाई में दोनों देशों ने एक संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर किया गया है। लेकिन तब से लेकर अब तक जो ये दोनों देश हैं, एक दूसरे पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाते रहे हैं। दरअसल रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने, इसके लिए वो लगातार कई तरह के हथकंडे अपना रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि अगर रूस युद्ध शुरू कर देता है तो इससे नाटो में जो शामिल होने की जो पूरी प्रक्रिया है यूक्रेन की, उसमें देरी आएगी और शायद ये भी हो कि वो कभी भी नाटो में शामिल ना हो पाए।